हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुगनजागर मैथ्स। आज हम पढ़ेंगे उन इक्वेशंस के बारे में जिसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर फंक्शन हो वाई का। वाई का फंक्शन इन द सेंस आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है वाई में, या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, कोई वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो इस तरह की इक्वेशन को आप कैसे सोल्व करेंगे आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके लिए हम इक्वेशन मान लेते हैं कोई, कि आपके पास कोई इक्वेशन गिवन है। लेट वी आर गिवन एन इक्वेशन, और हमें जो इक्वेशन गिवन है वो है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ वाई। इसे बोल देते हैं इक्वेशन वन। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं टू इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का। यह आपका मेथड रहेगा इस इक्वेशन को सोल्व करने का, मल्टीप्लाई बाय टू डी वाई अपॉन डी एक्स बोथ साइड। तो इससे हमें क्या मिलेगा, टू डी वाई अपॉन डी एक्स डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू टू डी वाई अपॉन डी एक्स फंक्शन ऑफ वाई, इक्वेशन टू। अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन टू का इंटीग्रेशन करते हैं। ऑन इंटीग्रेशन वी गेट, जब हम इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ वाई डी वाई। अब देखो, अब ये कैसे हुआ, हमें पता है डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। तो जब आप डी वाई अपॉन डी एक्स के होल स्क्वेयर का डिफ्रेंशिएशन करो तो आपको ये मिलना चाहिए। तो देखो, अगर आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वेयर है, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, टू डी वाई अपॉन डी एक्स, और जब डी वाई अपॉन डी एक्स का करेंगे तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। यही हमने किया, डी वाई अपॉन डी एक्स के होल स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन तो ये है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन आपके पास क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वेयर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, टू डी वाई अपॉन डी एक्स डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिला था, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वेयर। और जब हम राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन करते हैं तो dx से विद रिस्पेक्ट टू dx वाला कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ y dy। अब तो आप इसको इजीली कर पाएंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, जो हमने bsc पार्ट 2 में पढ़ा था, और ये तो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इस इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं। तो अब हम करेंगे इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन, तो आपका ये जो मेथड है ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो, आपको इक्वेशन ये गिवन है और हमें इसे सोल्व करना है, तो हम इसे लिख सकते हैं डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू कोस वाई अपॉन साइन क्यूब वाई। अब आपको जो इक्वेशन गिवन थी वो हमने किस में कन्वर्ट कर ली, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ वाई, और इसी का प्रोसीजर हमने पीछे पढ़ा था कि कैसे सोल्व करते हैं ऐसे इक्वेशन को। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, कोस वाई अपॉन साइन वाई को बोल सकते हैं कोट वाई, और जो डिनोमिनेटर में एक साइन स्क्वेयर बचेगा उसे हम लिख सकते हैं कोस एक्स स्क्वेयर वाई। अब मेथड वही रहेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टू इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई टू इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बोथ साइड। तो उससे हमें क्या मिलेगा, टू डी वाई अपॉन डी एक्स डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू टू कोट वाई कोस एक्स स्क्वेयर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर देते हैं। ऑन इंटीग्रेशन वी गेट
इंटीग्रेशन पे हमें क्या मिलेगा, dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 कॉन्स्टेंट, तो इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं 4y cosec स्क्वायर y dy अपॉन dx, इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे dx के रिस्पेक्ट में, तो इस dx से ये वाला dx हो जाएगा कैंसिल आउट, तो हमारे पास जो बचेगा वो होगा dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 4y cosec स्क्वायर y dy। अब हम करेंगे इस इक्वेशन को सोल्व। हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो क्या है, dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 4y cosec स्क्वायर y dy। अब हम मान लेते हैं कि लेट 4y इज इक्वल्स टू t, तो 4y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर y dy is equals to dt। अब cosec square y dy की जगह हम पुट कर सकते हैं माइनस ऑफ dt और cot y की जगह हम पुट कर देंगे t, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो होगी dy upon dx का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ t dt। cosec square dy की जगह हमने पुट कर दिया माइनस dt, ये 2 एज इट इज है और cot y की जगह हमारे पास आ गया t। अब इसका इंटीग्रेशन हम इजीली कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस टू t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कोई कांस्टेंट हमने ले लिया c, ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया अभी तक का वो है dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू c माइनस t स्क्वायर। अभी t की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमारे पास आएगा c माइनस e, हमने cot y लिया था तो यहाँ आ जाएगा cot स्क्वायर y। तो अभी हमारे पास जो इक्वेशन है जिसे हमें सोल्व करना है वो है dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू c माइनस cot स्क्वायर y। अभी हम स्क्वायर रूट लेते हैं बोथ साइड, तो हमें मिलेगा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू अंडर रूट सी माइनस कोट स्क्वेयर वाई। अब वेरिएबल सेपरेबल से डी वाई अपॉन अंडर रूट सी माइनस कोट स्क्वेयर वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स। अब हम कर देते हैं इंटीग्रेशन। अभी देखो dx का इंटीग्रेशन तो हमें पता है x हो जाएगा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन, अब cot स्क्वायर को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर y अपॉन sin स्क्वायर y, और जब इसका एलसीएम लेंगे हम, मतलब cot स्क्वायर, एक बार आपको करके बता देती हूँ, अंडर रूट c माइनस इसे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर y अपॉन sin स्क्वायर y, और इस टर्म को हम ये भी लिख सकते हैं ना sin y dy अपॉन c sin स्क्वायर y माइनस कोस स्क्वायर वाई। इस टर्म को हम ये लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब हमें एक आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो हम यहाँ से साइन स्क्वायर वाई की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई, तो वही हम करेंगे यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन वाई डी वाई अपॉन सी साइन स्क्वायर वाई की जगह हम पुट कर देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई माइनस कोस स्क्वायर वाई। इससे हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन वाई डी वाई अपॉन सी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा सी माइनस सी कोस स्क्वायर वाई माइनस कोस स्क्वायर वाई।
अभी आपके पास जो इक्वेशन है वो है एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओ साइन वाई डी वाई अपॉन, ये अंडर रूट भी था ना इसमें, ये याद रखना, ये अंडर रूट यहाँ रह गया है, इसमें लगा देती हूँ मैं, आपको पीछे भी अंडर रूट लगाना है, अंडर रूट सी माइनस कोस स्क्वायर वाई मैंने ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचेगा सी प्लस वन। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम मान लेते हैं लेट कोस वाई इज इक्वल्स टू, ये हमने पीछे मान लिया, कोस वाई इज इक्वल्स टू मान लेते हैं वी, तो कोस वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस साइन वाई डी वाई इज इक्वल्स टू डी वी। अभी यहाँ साइन वाई डी वाई की जगह हम पुट कर देंगे माइनस ऑफ डी वी, देन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन डी वी अपॉन अंडर रूट सी माइनस सी प्लस वन वी स्क्वेयर। अब इसका इंटीग्रेशन आप सबको पता है कि वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, तो यहां से आपका इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट आ जाएगा माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस सी साइन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस सी अपॉन सी कोस वाई, और एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट हम यहाँ पे C1 बोल देते हैं, तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।